मेरा जर्नी, एक्चुअली मेरी जर्नी में तो मैंने आपको बताया पहले, वही है वो, दोबारा बताओ। आसान मतलब जो शुरुआत की थी ना, तब कभी सोचा नहीं था कि इतना जनता का प्यार आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल काम करते करते गेमिंग करता था, स्ट्रीमिंग करता था, धीरे धीरे स्ट्रीमिंग बढ़ गई, लेकिन काम छोड़ा नहीं मैंने, आज भी करता हूँ लेकिन आज थोड़ा सा कम करता हूँ। लेकिन जनता का इतना प्यार है, इसकी वजह से आज लोग बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं। सो ये जो समुराय भाई है, इन्होंने भी मुझे स्ट्रीम पे आके बहुत बार सपोर्ट किया है। सो उन्होंने आज ये इवेंट पे बुलाया, उन्होंने बोला ये लॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है सब, तो अच्छा लगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है ना, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है इन फ्यूचर। जैसे कि आपने इससे पहले भी देखी होगी बहुत सारी स्पोर्ट्स जो कम्युनिटी है, तो उसी तरह से ये भी आगे बढ़ेगी, इसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स खेलेंगे ऑब्वियसली उनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म बढ़ेगा, और धीरे धीरे एक अपना ज़रूर ये लोग भी अपना एक नाम जगह बना लेंगे अपनी। मैं अगर मुझे आप बोलो तो, टू बी ऑनेस्ट मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया इस चीज़ को लेके कि स्ट्रीमिंग चालू करो। और स्पेशली मैं अगर एक इंस्पिरेशन आप बोलोगे तो कैरी मिनाती, आप जानते होगे, पूरी दुनिया जानती है कैरी मिनाती, और रॉनी गेमिंग, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं देखता था और उनसे चीज़ें सीखता था, लोगों से इंटरेक्ट होते थे वो। तो फिर दोस्तों ने थोड़ा सपोर्ट किया कि तू काम करते करते ये कर ले, तू नॉर्मल पे इतनी बड़बड़ करता रहता है तो वहाँ पे कर ले, लोग तेरे को पसंद कर लेंगे। और वैसा ही हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया और आज अच्छा चल रहा है सब कुछ। फ्यूचर को लेके लाइक है कुछ प्लान्स, अभी डिस्कस तो नहीं कर पाऊँगा, बट गेमिंग रिलेटेड ही बहुत सारे फैन प्लान्स हैं मेरे, बट देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, पता चलेगा आपको धीरे धीरे। बनाना है ना तो सीधा सीधा उसका एक फोकस होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कैसा है, हिंदुस्तान में सारी फैमिलीज पैसे वाली नहीं होती, हर एक फैमिली अपने बच्चे को मतलब सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा थोड़ा समझ के लेना चाहिए, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, समझना चाहिए, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए कि चलो अगर मुझे गेमिंग में घुसना है तो मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, स्ट्रीमिंग कर लेता हूँ तो पैसे आ जाएंगे, फिर ग्रोथ मिल जाएगी, या फिर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता हूँ ग्रोथ मिल, ऐसे नहीं होता। आपकी खुद की क्वालिटी पहचानो और क्वालिटी के साथ साथ अपने फैमिली पे ज़्यादा लोड न दो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ पाओगे लेकिन धीरे धीरे बढ़ पाओगे, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इज मेनली फ्रॉम एन इवेंट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री। आई हैव डन माई बी एम एम इन एडवर्टाइजिंग एंड मैं खुद एक आर्टिस्ट मैनेजर हूँ एंड आई एम मैनेजिंग टी वी एंड बॉलीवुड आर्टिस्ट फ्रॉम पास्ट 8 years और 10 years। सो लाइक इवेंट के रिलेटेड, ब्रांड्स के रिलेटेड तो बैकग्राउंड पहले से ही रहा है, तो धीरे धीरे लाइक गेमिंग कम्युनिटी जैसे ग्रो हो रही है, ब्रांड्स की भी इंक्वायरीज आती है मेरे पास रिलेटेड टू यूट्यूबर्स वगैरह एंड एवरीथिंग। तो आफ्टर दैट वी थॉट कि नहीं यार, ये चीज़ एक्चुअली सपोर्ट करने लायक है एंड देर आर लॉट ऑफ चांसेज वी कैन ग्रो ऑन अ वेरी गुड लेवल इन दिस इंडस्ट्री एज वेल। सो दैट इज़ द बेसिक रीजन कि हम लोग ने, मैं समुराय से मिला, समुराय से बात हुई, ही वॉज रेडी टू सपोर्ट द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। तो हम लोग ने प्लान किया अच्छे से कि नहीं आप ऐसा है तो हम लोग करते हैं और इस कम्युनिटी को आगे लाते हैं। तो उसके बाद हम लोग ने आगे लाना शुरू किया और ये प्लान आउट किया है पूरा। एंड मेरा प्लान पूरा अगले साल तक पूरा मैंने पूरा चॉकआउट करके रखा है प्लान, कि मैं इतने महीने में ये टारगेट करना है, इतने महीने में इनको लाना है, इतने महीने में ये ब्रांड मेरे पास होनी चाहिए। तो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान करके आया हूँ एंड यस विल डू दैट। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अभी जो है ना इंडिया में, वो ज़्यादा कैसे हो रहा है कि बहुत क्लोज्ड है, लाइक लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि उतना उस लेवल पे उनका मार्केटिंग नहीं होता है, पीआर नहीं होता है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं चलता है। अभी आप खुद एग्जाम्पल ले लो, अगर आपका सन या डॉटर आके बोलेगा नहीं मेरे को गेमर बनना है, तो ऑब्वियसली हमारा पहला, मेरा खुद का भी पहला रिएक्शन वही होता था, नहीं भाई तू क्या करेगा गेमर बन के, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन सारे पेरेंट्स का। तो अगर जैसे लोगों को पता चलेगा कि नहीं इस इंडस्ट्री में भी करियर है,
ग्रो कर सकते हैं और अच्छी ब्रांड्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तो अब जाके लोग सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे. सो दैट इज़ आवर गोल एज वेल, कि मतलब हमको इस इंडस्ट्री को उस लेवल पे लाना है कि लाइक लोग एक्चुअली बोले कि नहीं गेमिंग भी एक करियर है, एंड अपने पेरेंट्स भी अपने सन्स एंड डॉटर्स को सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए. एज ऑफ नाउ जितनी मुझे अभी तक न्यूज़ आ रही है बाहर से भी, लाइक गवर्नमेंट अभी सपोर्टिव हो रही है इंडियन गेमिंग को लेके, गवर्नमेंट्स भी काफ़ी प्लानिंग्स कर रही है रिलेटेड टू इंडियन गेमिंग, एंड आई थिंक इन द कमिंग फ्यूचर इन नेक्स्ट 2 or 3 years यस गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा टू आर गेमिंग कम्युनिटी. थैंक यू. करेक्ट. वर्चुअल रियलिटी इज अ गुड प्लेटफॉर्म राइट नाउ, काफ़ी ग्रो हो रहा है, बट अभी तक हम उसको उतने अच्छे से लाइक कोई भी उतना एडवांस नहीं कर पाया है. तो आई गेस डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 2 or 3 years or 5 years यस वर्चुअल रियलिटी का भी एक अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग चीज़ होगी, वो जब उतनी ग्रो हो जाएगी तब यस ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें भी हम करना चाहेंगे श्योरली. थैंक यू. वेल माय नेम इज सिमर सेठी, आई एम फ्रॉम दिल्ली. माय गेम निक इज PSY एंड आई एम द कैप्टन ऑफ समुराई स्पोर्ट्स वैलोरेंट रोस्टर. जब मैं 15 साल का था तब मैं इंडिया के सबसे टॉप प्लेयर्स को देखता था खेलते हुए, एंड उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ. बट उस इतनी यंग एज में घर वालों को कन्विंस करना फॉर गेमिंग वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. घर वाले वही कहते हैं मेहनत कर, पहले तो एग्ज़ाम्स में पास हो, अच्छे नंबर ला, फिर ही तेको हम कुछ करने देंगे. मैंने कहा ठीक है डन, तो मैंने करना स्टार्ट किया. उनको देख के मैं इंस्पायर इस चीज़ पे हुआ कि वो लोग इंटरनेशनल जा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं. तो मैंने कहा यार अगर वो लोग कर सकते हैं मैं खेलता हूँ तो मैं इसमें प्रो क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों ना मेहनत करूँ और ट्राई करूँ. फिर मैंने मेहनत डालना स्टार्ट करी, मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से प्रैक्टिस करा एंड लकीली आई गॉट माई फर्स्ट चांस. एंड वहाँ से मैं CSGO के टाइम में जो एक गेम होती थी CSGO जो हम खेलते थे उसमें मैं टॉप लेवल पे रहूं. इंडिया को मैंने 5 बार बाहर रिप्रेजेंट किया है अलग अलग कंट्रीज़ में. तो उसके बाद से वो मोटिवेशन हमेशा से रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया का नाम रोशन करना है गेमिंग में और बाहर. क्योंकि इंडिया में गेमिंग एक बहुत लोग छोटी चीज़ समझते थे, बट इतनी जल्दी मेरे को पता है क्योंकि मैं 7 साल से खेल रहा हूँ यंग एज से, तो मेरे को पता है उस 7 ईयर्स में कितना वास्ट डिफरेंस आया है इतने से और इतना गया है वो गेमिंग. तो यस इट मैटर्स अ लॉट. लास्ट ये बताइए वीडियो गेम्स तो बहुत पॉपुलर बहुत सालों से, क्या डिफरेंस है और स्मॉल टाउन्स या विलेजेस या स्मॉल सिटीज में कितना ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं लोग इस चीज को लेके? मैं ये बोलना चाहूंगा कि पीसी, हम पीसी प्लेयर्स हैं, पीसी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑफ कोर्स काफी कुछ चीजें लगती है, बट इंडिया में काफी विलेजेस बाकी जो जगह है जहां पे डेवलपमेंट हो रही है वहाँ से भी इतने सारे गेमर्स आ रहे हैं उठ के, क्योंकि इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं इंडिया में गेमिंग के लिए, मोबाइल गेमिंग, पीसी गेमिंग, तो बहुत लोगों को चांस मिल रहा है, बहुत लोग आगे जा रहे हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने छोटे छोटे विलेजेस से आए और उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने ऊपर गए हैं. तो यस इंडिया में आ चुकी है गेमिंग पहले जगह. वेल हम जो खेलते हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आई कांट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट. अच्छा थैंक यू. उसके रिलेटेड आपको हमारे CEO बताएंगे. यस सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेसिकली नॉर्मली कैसे होता है, यूट्यूब पे जब आप देखोगे काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स है लेकिन उनको पूरी तरीके से उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है. लाइक बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं बिकॉज जो चाहिए यूट्यूबर्स गेमर्स के लिए सारे इक्विपमेंट्स हो गया, PR हो गया, मार्केटिंग हो गया, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली वो लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम लोग उनके लिए कवर कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग दैट इज नीडेड, वेदर इट बी रिलेटेड टू देयर सेटअप, वेदर इट बी रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, PR, सारी चीज़ों के रिलेटेड. तो हम लोग अपने साइड से पूरा सपोर्ट दे रहे हैं उनको. और इस बारे में कितनी सच्चाई है कि हाल ही में एक आर्टिकल आया था कि मोस्ट सॉर्ट आउट कैरियर होने वाला है या कंटेंट क्रिएटर के साथ में सबसे ज्यादा हाई पेइंग एक ऑप्शन होने वाला है यूट्यूबर्स के लिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे? दैट इज 100% ट्रू. ये बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है आज के डेट में गेमिंग, एंड इंडियन गेमिंग बहुत ऊपर आ रहा है. लाइक बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स है जो अब इंडिया में आना शुरू हो गई है, Alienware हो गया, Asus हो गए, then if you talk about BenQ, all these people are coming to India, invest कर रहे gaming community में, and जो अच्छे content creators हैं उनके ऊपर invest कर रहे ताकि उनकी brand भी grow, उनकी channel भी grow. तो yes, Indian market पहले उतना बड़ा नहीं था when it was related to gaming,
बट आज के डेट में बहुत ऊपर आ चुका है एंड इंडियन गेमर्स आर क्वाइट फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड इफ यू गो एंड सी। सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ग्रैंड ग्रेड के जा रहे हैं स्पोर्ट्स कंपनीज जो हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आगे चल के क्या विजनरी आपका एक अल्टीमेट गोल होता है किसी गेमिंग एंटरप्रेन्योर का, आपका क्या अल्टीमेट गोल है? मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि भले ही मेरा नाम ना आए ऊपर या मेरे सीईओ का नाम नहीं आए ऊपर है, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मेरी टीम है समुराई स्पोर्ट्स उसका नाम ऊपर आवे एंड हम अपने आप को प्रूव कर सके कि वी हैव डन द बेस्ट एंड वी हैव गिवन बेस्ट फॉर अवर टीम। एज ऑफ नाउ वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी, सो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अभी बस मैं इतना ही बोलूँगा, या मे बी इन फ्यूचर वो सारी चीजें हम लोग वापस से डिस्कस कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी। सर फिर भी ये एक बेसिक चीज है कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पुराना कॉन्सेप्ट है ये और काफी ज्यादा ग्रो किया हुआ है, इंडिया में सबसे बड़ा लूपहोल आपको क्या नजर आता है, क्या एक वीक पॉइंट नजर आता है ग्रो करने के लिए? इंडिया में सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि लाइक इंडियन अपनी जो इंडियन मेंटालिटी है सबकी, सो लोगों को लगता है कि मतलब गेमिंग से इंसान क्या ही कर लेगा, तो ऑब्वियसली पढ़ाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, करियर बनाना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसके लिए गेमिंग कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पाई है एंड बाकी लोग रुकते हैं कि लाइक सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आए इन्वेस्ट करें पैसे डालें तब जाके हम देखेंगे कि इसको कैसे ग्रो करना है, तो वो थिंकिंग हमने हटानी है एंड वी आर इन्वेस्टिंग लाइक हम लोग खुद इंडियंस है, वी शुड प्रमोट द गेमिंग कम्युनिटी एंड काफ़ी ऊपर आएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अगले 6 महीने या 7 महीने में जब हम फिर से आप हमें ट्रैक करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम अभी कहाँ हैं और तब कहाँ पहुँचेंगे। एक सवाल और, जितनी भी गेमिंग कंपनीज हैं आप सबसे बड़ा स्पॉन्सर्स बन रही हैं हर स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक, वो बताइए वो कितना एक अच्छा चीज़ है कि ब्रांड क्रिएट करने के लिए आप बड़े स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट का फिर टाइटल स्पॉन्सर टीम 11 जैसा है, तो बेसिकली ये सारे डिपेंड करता है। लाइक अभी हम लोग ने जो फोकस किया इट इज़ ऑन वैलोरेंट जो राइट गेम्स की गेम है, तो उसके साथ अभी हमारी काफ़ी डील्स चल रही है, काफ़ी ब्रांड से बात चल रही है, आएंगी धीरे धीरे। आफ्टर दैट हम लोग और भी जितने टाइप की गेम्स है, जैसे आजकल आपको पता रहेगा फ्री फायर फेमस है, COD मोबाइल फेमस है, CS:GO फेमस है, ये सारी गेम्स के रिलेटेड भी हम सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे वैरायटी गेमर्स रहते हैं जो ऐसी सारी गेम्स नहीं खेलते लेकिन वो अपनी स्टोरी मोड गेम्स खेलते हैं, ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, वो लोग भी काफ़ी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज के डेट में, तो वो सारे लोगों को भी हम सपोर्ट करेंगे एंड विल ऑब्वियसली गो विद दैट। सर आप अभी से मुझे फंसा दोगे क्या? सर ऐसे बहुत लोग हैं नजर में बट आई थिंक वो एक वक्त आने पे हम लोग श्योरली करेंगे वो सारी चीज़ें। सो नाउ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द कैप्टन ऑफ आर वैलेंट रोस्टर साई गेमिंग ऑल्सो नोन एज सिमर सिटी, उनका मेन नाम है। हेलो ईच एंड एवरीवन, तो माय नेम इज सिमर सेठी, माय इन गेम निकेस PSY, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम द कैप्टन ऑफ वैलेंट रोस्टर फॉर समराइ स्पोर्ट्स। वेल आई बीन प्लेइंग प्रोफेशनली सिंस लास्ट 7 years नाउ एंड आई नो कि समराइ स्पोर्ट्स बिल्कुल एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन आई है इंडिया के अंदर, बट उनका काम करने का तरीका एंड द वे दे आर वर्किंग प्रोफेशनली इट्स वेरी नाइस टू वर्क विद देम, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है एंड दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स, तो उसी पर हमारा फोकस है मेन की टीम को टॉप वन लेके जाना है एंड उसके बाद हम आगे सोचेंगे आगे क्या करना है। लाइक पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में खेला हूँ, उनके अंडर खेला हूँ, काफ़ी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, बट अभी समराइ स्पोर्ट्स के साथ आई एम अ प्लेयर फॉर देम एंड अ कंटेंट क्रिएटर फॉर देम, तो अभी देखते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स, हमारे रिजल्ट्स एंड बाकी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अगर इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर आपको दिल से करना चाहिए, अगर आप कुछ भी काम करते हो आप दिल से ही करते हो, अगर आप वो भी कर रहे हो आपको दिल से ही करना पड़ेगा, अपने फैंस के साथ अपनी ऑडियंस के साथ आपको इंटरेक्ट करना आना चाहिए एंड अगर उनको अच्छी तरह ट्रीट करोगे उनको एंटरटेन करोगे देन दे विल स्टार्ट लविंग यू। वेल आई एम वेरी हैप्पी कि ट्रांस इज द गाय हु विल बी मैनेजिंग अस एंड आतिफ इज माई टीम ओनर, दे आर वेरी लाइक वेरी नाइस पीपल, काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है वी जस्ट कम टू देम एंड दे जस्ट सॉल्व इट, तो इट्स वेरी नाइस टू बी वर्किंग विद देम राइट। मेन गोल यही है एज अ प्लेयर, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये गोल है कि मैं अपनी टीम को एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नंबर वन लेकर जाऊँ वापस एंड उसके बाद विल थिंक कि और हमारे क्या क्या हमें चीज़ें करनी है, बट अभी लाइक मेन गोल मेरा लाइफ का यही है कि नंबर वन मेरे को लेकर जाना है मेरी टीम को एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हमारे बाकी के रोस्टर्स, रेक्स, वेम,
हर्ष एंड ब्लैक हॉक, वो लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे. प्लीज कम. थैंक यू. हेलो, माय नेम इज तेजस कोटियन. मुझे इन गेम रेक्स के नाम से जाना जाता है. आई हैव बीन प्लेइंग प्रोफेशनली सिंस 5 इयर्स. सो आई एम हैप्पी टू बी इन समुराई स्पोर्ट्स राइट नाउ. लाइक हमें जो जो नहीं मिल रहा था पहले के ओवर्स में, अभी हम लोग को मिल रहा है. सो आई एम हैप्पी. माय नेम इज सारांश डंग. माय इंडियन नेम इज विम. एक्चुअली मैं ही सबसे लेट चालू किया हूँ. आई एम जस्ट प्लेइंग प्रोफेशनली लाइक ई स्पोर्ट्स सिंस 1 ईयर ओनली, लाइक पेड टू पे द प्ले द गेम. सो या आई एम द न्यूएस्ट मेंबर एंड द आईजीएल ऑफ द टीम. हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष, आल्सो नोन एज इन गेम हर्ष. मैं प्रोफेशनली 7 ईयर से खेल रहा हूँ, बट मेरे को बूट कैंप मिला नहीं ऑफिशियली. अभी एट एज ए समुराई स्पोर्ट्स में जब से आया हूँ, तभी उन लोग ने हम लोग को बूट कैंप दिया. बहुत प्रैक्टिस, लाइक प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत मेहनत करने के लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया उन लोग ने. अभी एज ए टीम हम लोग करेंगे मेहनत उस हिसाब से. हेलो गाइस, माय नेम इज शैलेश दलवी. माय इन गेम नेम इज ब्लैक हॉक. एक्चुअली आई वाज प्लेइंग सिंस लास्ट 7 इयर्स, फ्रॉम लास्ट 2013. एक्चुअली मैंने 2017 में गेमिंग से गैप ले लिया था, क्योंकि CS:GO जब हम लोग पहले खेलते थे तो इतना ग्रो नहीं हो पाया था जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग इंडिया में. पर जब से वैलोरेंट आया है तब से व्यूअरशिप भी अच्छी है और गेम सब लोग साथ में ग्राइंड कर रहे हैं. तो मोस्टली ये फर्स्ट ऑग है समुराई स्पोर्ट्स के अंडर जो पेड ऑग रहेगी, इसमें मैं खेलूंगा आफ्टर 7 इयर्स. उसके पहले मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में खेला जो नाम था डेयर टू ड्रीम. तो उसके बाद ये मेरा सेकंड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा. होपफुली वी विल डू आवर बेस्ट. ऑल्सो नाइट लाइक हमारे दो तीन कंटेंट क्रिएटर्स है. वन इज टीबोन शोभित राय, जो काफ़ी फेमस है यूट्यूब पे, बट वो अभी आ नहीं सके हैं मुंबई बिकॉज इज इन बैंगलोर राइट नाउ. एक और कंटेंट क्रिएटर है मिजो प्लेस, अनफॉर्चुनेटली शी मेट एन एक्सीडेंट टूडे सो शी इज़ नॉट एबल टू कम. एंड जो अभी यहाँ पे है दैट इज़ म्याओ 16, ऑल्सो नोन एज सलोनी पवार. So here she is. Hello everyone, my name is Saloni. I'm also known as Meow16K. I've been playing for past 4 to 5 years and streaming for past 4 years. I never thought ki itna bada India mein gaming ka scene hoga, but now that I'm standing on this platform and being a part of this org, I really want to take this org and the community mein jo esports ka scene hai sab aage leke jaane ki meri dream hai. एंड अब फाइनली एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट है हमारे बीच में, जो हमको एक्चुअली सपोर्ट करना है, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. लाइक फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन वो खुद यहाँ पे आके हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नन अदर देन श्रीमान लेजेंड. नमस्ते सर. समुराई जी कहाँ पे हैं? ये रे सर. अच्छा समुराई जी आइए यहाँ पे. एक्चुअली ये इनका ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि इनका बड़प्पन है और इन्होंने जो कदम उठाया है ये बहुत से लोगों के लिए अच्छा है. इन फ्यूचर जो बंदों को एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, कुछ लोग अंडर रेटेड रह जाते हैं, लेकिन ये लोग उनको प्लेटफॉर्म देंगे और उनको एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे. और ये एक रैंडम लोगों के ऊपर रेड करते हैं, पर्सनल रेड इनकी, और सुपर चैट्स करते हैं और उनमें से चुनते हैं लोगों को. ये अच्छी टेक्निक है. शुरुआती में कुछ अलग लगा था, लेकिन जब सर्वे किया तो पता चला नहीं बंदा सपोर्टिव है. So, जर्नी के बारे में बताइए कि जो शुरुआत आपने की और जहाँ तक पहुँचे आपने. मेरी उसके बारे में कुछ बताइए, क्या रहने देंगे? मेरी जर्नी मतलब मैं पहले जॉब करता था और जॉब के टाइम पे स्ट्रीम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता था. लाइक मॉर्निंग को जॉब, शाम तक आ जाता था, फिर एक 2-3 घंटे स्ट्रीम, फिर सो के जॉब. लेकिन स्ट्रीम चालू करने के लिए मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया कि तू कर सकता है. धीरे धीरे किया, सपोर्ट आया, फिर चैनल बढ़ता गया और प्यार मिलता गया ऐसे लोगों का, तो और ज़्यादा चैनल बढ़ता गया और आज है इस जगह पे कि 1 मिलियन क्रॉस हो चुके और चल रहा है. और जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कम स्पैम करो चैट में. लोग मुझे बोल रहे हैं तुम्हारे नाम का स्पैम हो रहा है, रुक जाओ यार. ये मुझे आदत नहीं इतनी भीड़ की, इसलिए मैं थोड़ा सा ये हो गया, नर्वस हो गया हूँ. तो ये बताओ कि आपको कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, तो क्या करना चाहेंगे? तो कॉम्पिटिशन से अलग हटके कुछ करने का अगर किसी को सोच हो तो क्या करना चाहिए? कंपटीशन पे अलग हटके मतलब देखो, जो तुम्हारे में क्वालिटी है तुम्हें जाननी चाहिए. अगर तुम एक अच्छे गेमर हो तो गेमर बनो, अगर एक एंटरटेनर हो तो एंटरटेनर बनो. ये दोनों में एक लाइन है, थिन लाइन है. अगर तुम दोनों बनना चाहते हो तो इतना मतलब वो मिक्स नहीं होता है. तुम्हें अगर सीरियस लेवल पे गेमर बनना है तो तुम्हें गेमर ही बनना है. लेकिन गेमिंग करके अगर तुम एंटरटेन करना चाहते हो तो आते दिक्कत हो जाती है. तो पहले मैं गेमर था और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अपन गेमिंग नहीं करेंगे, अपन एंटरटेन करेंगे, अपन लोगों को ज़रा खुश करेंगे.
And what about being against the global sports scenario? उसके against में आप आएं तो क्या आप क्या challenge होगा या किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप किसी के against होते हैं? समझा नहीं मतलब ओके सो बेसिकली जहाँ तक कॉम्पिटिशन की बात आ रही है देखिए लाइक टीम माही हो ग्लोबल स्पोर्ट्स हो सारी बहुत अच्छी टीम्स है एंड हम लोग अभी जस्ट समरा स्पोर्ट्स की तरह आए हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा हमें भी इनको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वगैरह बट या वी होप सो कि मतलब डाउन द लाइन हम लोग सबसे टॉप पे आ जाए उनसे ऊपर आ जाए श्योरली हाँ मतलब शुरुआत तो हर एक चीज़ की स्लो ही होती है अच्छा श्रीमान के फैंस स्पैम कर रहे हैं बताओ सर हाँ मैंने वही बोला कि कम स्पैम करो और ज़रा इनको भी सपोर्ट दो अच्छा एक चालू किया हुआ है क्या आपने नाम बताया था समुराई स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा ये और अच्छी चीज़ है अपने इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और ऐसे लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा तो नाइस कीप इट अप समुराई जैसे बोल रहे सपोर्ट करो तो साथ में लाइक ठोकना सब्सक्राइब ठोकना हाँ वो तो नॉर्मल है और जैसे ये बोल रहे थे वो चीज़ के बारे में तो मैं बोलूँगा कि हर कोई शुरुआत स्लो ही करता है लेकिन जब वो बिल्ड करता है अपने आप को धीरे 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 उसका नाम आ जाता है मार्केट में इनका भी आ जाएगा टेंशन मत लो मतलब सब अच्छे आप भी अच्छे हो जाओ तो रिंकू एनीथिंग एल्स वी आर डन ओके डन